हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म शिक्षा विद मोटिवेशन। तो आज हम इस वीडियो में बात करने जाएंगे कि कितने फॉर्म फिल हुए हैं टोटल यूपी RO 2023 में, रिकॉर्ड टूटा है, तो डिटेल में जानेंगे। प्लस ये भी देखेंगे कि कंपटीशन लेवल कितना है, कितने बच्चे एक सीट के लिए कॉम्पीट करेंगे, क्या होने वाला है, सब डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले, अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो आपको क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है फॉर फ्यूचर अपडेट, ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल जाए फॉर अपडेट प्लस अपकमिंग वीडियो। सेकेंडली क्या करना है, आपको इस वीडियो को भी लाइक और शेयर करना है। प्लस अगर आपकी कोई क्वेरी है किसी से रिलेटेड तो आप इसके कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपकी क्वेरी कमेंट के थ्रू रिजोल्व की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जैसा आपको पता है कि UPRO के फॉर्म आए थे और दो बार इसके डेट को एक्सटेंड किया गया था। जब दो बार डेट को एक्सटेंड किया गया, काफ़ी टाइम मिला है, बच्चों ने फॉर्म फिल ज़्यादा किए हैं। पहला तो एक्सपेक्ट ये रहा है इसका रीज़न। दूसरा ये कि एक सीट के लेकर मैं बात करूँ तो जो जैसे टोटल आपको वैकेंसी पता होगी, 411 टोटल वैकेंसी हैं इस बार UPRO में। तो अगर टोटल जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल हुए हैं उसके रेशो के अकॉर्डिंग निकाला जाए तो RO में इस बार एक सीट के लिए 2602 जो एस्पिरेंट हैं या कैंडिडेट हैं वो फाइट करेंगे। तो मान के चलिए कि मोटा मोटा कि अप्रोक्स 2500 बच्चे एक सीट के लिए कम्पीट करेंगे। अगर मैं बात करूँ टोटल फॉर्म कितने फिल हुए हैं, तो जो टोटल फॉर्म फिल हुए हैं RO में इस बार वो हुए हैं 10.69 लाख, 10.5 लाख फॉर्म जो है फिल हुए हैं इस बार 411 वैकेंसी के लिए। जैसे मैंने आपको बताया 2602 जो अभ्यर्थी हैं कैंडिडेट हैं वो फाइट करेंगे एक सीट के लिए, तो कंपटीशन काफ़ी टफ होने वाला है। तो आपके पास अप्रोक्स 45 डेज ही बचे हैं। जैसे आपको बताया 11 फरवरी को जो है इसका प्री का एग्ज़ाम होना है। 140 क्वेश्चन GK के 2 आवर्स के लिए, सेकंड पेपर जो होगा वो होगा 60 क्वेश्चन आएंगे हिंदी के, 1 आवर आपको मिलेगा जो कि ग्रामर, हिंदी ग्रामर का वो पेपर होगा। फिर मेंस होगा, मेंस में आपको आंसर राइटिंग, निबंध वगैरह लिखने होंगे। उसके बाद आपका ये इंटरव्यू नहीं है इसमें, ये सबसे अच्छी बात ये है कि इतनी अच्छी पोस्ट है ये और इसमें इंटरव्यू नहीं है, बस प्री है और मेंस है, उसके बेस पे ही आपको इसमें जो है सेलेक्ट किया जाएगा। तो काफ़ी अच्छी मैं कहूँ जॉब है बिना इंटरव्यू वाली, जिसमें इतनी मतलब उस हाई पोस्ट पर आप पहुँच सकते हो। अगर आप कंपेरिजन की बात करें तो UP जो PCS होता है उससे 1.5 गुना RO में इस बार जो है जो फॉर्म फिल हुए हैं वो हैं। देखा जाए तो PCS 2019 में 5 लाख 5.5 लाख के आसपास फॉर्म फिल हुए थे, उसके बाद 2020 में जो है 6 लाख के आसपास, और 2021 में 7 लाख के आसपास फॉर्म फिल हुए थे UPPCS में, और 2022 में UPPCS में 6.5 लाख तो नहीं है लेकिन 6 लाख प्लस जो है फॉर्म फिल हुए थे UPPCS में। और 23 की बात करूँ तो 23 में जो है UPPCS के लिए फॉर्म फिल हुए थे अप्रोक्स 6 लाख के आसपास, 6.25 लाख के आसपास। तो अगर कंपटीशन देखेंगे तो UPPCS से ज़्यादा बच्चे हैं इस बार आवेदन किया है इन्होंने। तो ये है कि आपका एग्ज़ाम का कंपटीशन जो है मेरिट का जो है वो लास्ट टाइम से काफ़ी ऊपर जाएगी, क्योंकि 10.5 लाख हैं तो मान के चलिए कि आप 6 से 7 लाख बच्चे एटलीस्ट एग्ज़ाम में डेफिनेटली अपीयर होंगे। आई नो, देखो सिंपल सी बात है, इतनी संख्या देख के थोड़ा डाउट होता है कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, बट यार सिंपल सी बात है, अगर आपको नंबर देख के ही चीज़ें अंडरस्टैंड करनी है तो वो तो कंपटीशन तो हर सब में है। वो भी आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम दोगे, इवन CGL भी देखोगे आप, 40-40 लाख फॉर्म फिल होते हैं यार CGL में, लेकिन वहाँ भी बच्चे सेलेक्ट होते हैं। सिंपल सी बात ये है, सिलेक्शन तो होना है, ऐसा तो है नहीं कि कमीशन जो है मना कर देगा, इतने आवेदन हो गया भाई अब हम सिलेक्शन नहीं लेंगे, सिलेक्शन तो होगा ना, कोई भी टफ हो जाए बच्चे ज़्यादा आ जाएँ। तो सिंपल सी बात है, जिनका भी 411 में जो सेलेक्ट होंगे वो भी यार दो हाथ उनके पास भी ये सब होंगे, रिसोर्सेज होंगे, वो भी यहाँ से ही बिलोंग करते होंगे, है ना। तो सिंपल सी बात है, पढ़ाई पे फोकस करिए, कंपटीशन ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा एफर्ट करने हैं, और 45 डेज़ के आसपास हैं, आपको क्या पता है 11 फरवरी का एग्ज़ाम है इसका प्री का, तो आपको टेस्ट सीरीज और जो प्रीवियस ईयर है उन पर ज़्यादा फोकस करें, आपको डेफिनेटली ज़्यादा हेल्प मिलेगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एटलीस्ट 2 से 3 बार जरूर लगा लें, और प्लस टेस्ट सीरीज ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करने का कोशिश करें। टेस्ट सीरीज से क्या होगा, एक तो आपका टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा, प्लस जो क्वेश्चन आपको नहीं आता होगा रिवर्स, जैसे मैं कहता हूँ रिवर्स मैथोलॉजी होती है, जैसे आप सपोज करें आपने टेस्ट सीरीज दी
ठीक है, जो उसमें क्वेश्चन गलत हुआ आप वही पढ़िए ना, क्योंकि 45 डेज आप ऐसा तय नहीं कि सारा सिलेबस आप लेके बैठेंगे और कवर कर लेंगे। अब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए, जो भी हुए हैं 5-6 ईयर के लास्ट, उससे ज़्यादा आप टेस्ट सीरीज लगा लीजिए। जो टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन नहीं आते उसको आप वही टॉपिक पढ़ लीजिए, जो आता है आपको वो आता है, वो आप नहीं भूलोगे। जो टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन सही करोगे वो तो आप वहाँ एग्जाम में आएगा तो वहाँ भी सही करोगे, तो अगर आप उसको पढ़ोगे तो उसमें टाइम वेस्ट होगा। आपको वो पढ़ना जो आप गलत कर रहे हो आपको नहीं आ रहा है, तो उस पर फोकस कीजिए। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग अस। लाइक शेयर जरूर करिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, ऐसे ही आपको टाइमली अपडेट के लिए। थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग अस।